तो आ गए सब। आ भाई लगा दे इंट्रो। हाँ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप यू ऑल आर हैविंग अ फैबुलस डे एंड होप यू ऑल आर सेफ। सो फाइनली पार्ट टू ले ही आया स्टोरी मोड की। सो फर्स्ट पार्ट में मैंने 1 to 50% कंप्लीट किया था स्टोरी मोड का। उस पर एक गाइड बनाई आप लोगों के लिए सो दैट यू कुड क्लियर द स्टोरी मोड फास्टर एंड स्मूदर। सो आज नेक्स्ट 50% की गाइड लाया हूँ गाइज। सो होप यू ऑल एन्जॉय द वीडियो। बट फर्स्ट फ्राइडे है गाइज, सो टाइमलाइन रीसेट हो चुकी है, तो क्रिस्टल्स ज़रूर मिले होंगे। आई गेस आई वॉज अंडर द टॉप 10% इन वाइब्रेनियम लीग, सो 200 क्रिस्टल्स तो मिले ही होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कितने क्रिस्टल्स मिले एंड गेट देम, बिकॉज क्रिस्टल्स आर जूसी। सो हाँ, तो गाइज अभी कॉस्मिक कोर इवेंट भी चालू है। सो एज माई लक, थोड़ा सा लकी हूँ कभी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कॉस्मिक कोर के मामले में अनलक्की रहा हूँ। सो देखते हैं क्या मिला है इस बार भी, कुछ टट्टी ही मिली होगी। आई न्यू इट, 6-स्टार मास्टर टिकट मैंने रिफ्रेश किया था, 6-स्टार मास्टर टिकट ही मिली थी। द फर्स्ट डे 200 बैम, सेकेंड डे क्योस नॉन स्टोन, एंड दिस डे अगेन आई हैड अ 6-स्टार मास्टर टिकट। आई गेस आई कुड गेट द CCF। सो विदाउट फर्दर अडू गाइस, हम लोग सीधे जंप करते हैं स्टोरी मोड में, देखते हैं 50 to 100% में क्या गाइड है, कैसे करना है कंप्लीट। मेरे ख्याल से स्टोरी मैंने कंप्लीट की हुई है, बट मैंने प्री रिकॉर्ड की हुई है। जितने भी स्टेजेस हैं उनकी सारी वीडियोस मैंने प्री रिकॉर्ड की है, कुछ टिप्स ज़रूर दूंगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। सो 55% पे जैसे आप जाओगे, सो 50% के बाद जो फर्स्ट स्टेज है वो जनरली है आपका द किंग पिन स्टेज। तो जो किंग पिन है उसको वन शॉट करना आपको आना चाहिए। सो इस वाले वीडियो में मैं वही आपको गाइड दूंगा कि कैसे आप किंग पिन को वन शॉट कर सकते हो। सो यहाँ मैंने फास्ट फॉरवर्ड की हुई है थोड़ी सी वीडियो, सो दैट कि आपको अगेन मैं वही सारी चीज़ ना दिखा के बोर ना करूँ। जनरली आपको यहाँ भी वही करना है, स्पैम करना है स्किल्स, मॉब्स क्लियर करना है एज फास्ट एज यू कैन। जस्ट क्लियर इट विथ कैप्टन अमेरिका, अगेन रिमाइंड करवा देता हूँ बिकॉज ही हैज़ द लीस्ट कूल डाउन आउट ऑफ द थ्री। एंड वी विल कंटिन्यू इट हियर। इलेक्ट्रा मिलेगी आपको, इलेक्ट्रा इज स्पीड टाइप, सो कॉम्बैट टाइप हैज़ एडवांटेज, तो कैप्टन से ही कीजिए, डोंट स्विच योर कैरेक्टर। एंड देन अगेन आपको मॉब्स मिलेंगे, क्लियर इट एज फास्ट एज यू कैन। सो मॉब्स आप जितने जल्दी क्लियर करोगे आपकी जो टाइमिंग होगी वो उतनी कंज्यूम होगी, उतनी ज़्यादा कम होगी, आप एफिशेंटली टाइम को कर पाओगे। सो यहाँ एज यू कैन सी, मैं सबसे पहले किंग पिन कॉम्बैट टाइप है, तो मैं स्विच करूँगा टू आयरन मैन। एंड आयरन मैन की जो स्किल रोटेशन मैं यूज़ करूँगा वो है 4-5-3, वेट फॉर सेकेंड 1, ही विल फ्रीज एंड देन 2, दैट्स इट। सो वन शॉट कर सकते हैं आप किंग पिन को इस तरह से। द नेक्स्ट स्टेज अगेन स्पैम स्किल है, दिस वन इज़ अ वेरी ईजी स्टेज, जस्ट आपको मॉब्स क्लियर करने और सेकेंड फेज में आई गेस 3 बॉक्सेज रहेंगे और वट एवर दे आर यू हैव टू क्रैक देम। सो आपको जल्दी जल्दी क्रैक करना है और इसके बाद भी आपको और एक बार करना है, एंड यू देन हैव टू रन आउट ऑफ द फायर। सो दिस वन इज़ ऑल्सो एन ईजी स्टेज, जस्ट टेक योर टाइम, डोंट जस्ट स्टार्ट अटैकिंग दोज बॉट्स, ट्राई टू क्रैक द बॉक्सेस फर्स्ट, डोंट ट्राई टू अटैक द बॉट्स। आप प्राइमरी मोटिव यही रखिए। एंड हियर अगेन दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर जॉयस्टिक, सो जॉयस्टिक अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं तो यू विल डू इट फास्ट। This stage is pretty complicated because it is very lengthy. This stage is lengthy. थोड़ा सा लंबा है because आपको बहुत सारे mobs clear करने पड़ेंगे MODOK तक पहुँचने के लिए। तो मैं यहाँ पहले Iron Man से clear करता हूँ। Now I will go and again यहाँ पर this one is pretty challenging. Just because कि sometimes क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो मेरा Iron Man die हुआ यहाँ, so आप इन सब में फंस जाते हो and you just straight up die. सो यू कॉन्ट डू एनी थिंग अबाउट दैट, अगर आप डॉच कर सकते हो तो दैट इज़ बेटर, बट मुझसे ना हुआ। सो मैं जनरली कैप्टन से ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। एंड नेक्स्ट ऑन आई थिंक हाँ एक और मॉब है, जस्ट क्लियर दिस। आई सेड दिस वन इज़ प्रिटी लेंदी फाइट है थोड़ी सी, बट करना तो पड़ेगा गाइस। सो आफ्टर दिस
ये वाला जो स्टेज है यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है. ट्राई टू अवॉइड द मिसाइल्स बिकॉज दैट विल गार्ड ब्रेक यू. अगेन मैंने आयरन मैन से क्लियर कर लिया. नाउ फाइनली मोडॉक स्टेज आ चुका है. तो एज यू नो मोडॉक इज अ ब्लास्ट टाइप. सो मैं यहाँ यूज़ करूँगा अगेन ब्लैक विडो का. सो द फर्स्ट थिंग आई विल डू हियर इज जस्ट स्विच टू ब्लैक विडो. ब्लैक विडो को स्विच करूँगा. हाँ, इस स्टेज में मोडॉक की हाई एचपी है. सो आप वन शॉट नहीं कर पाओगे इसे. सो हियर जस्ट लाइक दैट. एंड इसके बाद ये जो ये मोडॉक एक सर्कुलर सा बीम तैयार करता है. सो दैट थिंग इफ़ इट हिट्स यू यू विल स्टन. और अगर आप नहीं कर पाओ तो मोडॉक ने अपने इर्द गिर्द एक एनर्जी शील्ड बना लिया. सो नाउ योर डैमेज विल बी वेरी लो. आप ना के बराबर डैमेज करोगे. मैं करके दिखाता हूँ आपको. जैसे यहाँ पर मैं ब्लैक विडो से करके दिखाता हूँ. सो यू कैन सी द डैमेज इज़ वेरी वेरी लो वेरी लो. तो मैं यहाँ स्विच करता हूँ. एक और बार दिखाता हूँ कि हाउ यू कैन टैकल द एनर्जी शील्ड. तो ये जो वो ऑब बनाता है, ट्राई टू स्टन मोडॉक विद दिस. सो देयर यू गो, यू स्टंड हिम, द एनर्जी शील्ड इज़ गॉन एंड यू जस्ट क्लियर्ड इट जस्ट लाइक दैट. सो ट्राई करो. मैं जानबूझ के स्टन हुआ वहाँ ब्लैक विडो से. सो दैट आई कुड शो यू दैट व्हाट हैपन्स इफ़ यू गेट स्टंड एंड डू नॉट पेंट्रेट द एनर्जी शील्ड. तो अगर आप स्टन होते हो, मोडॉक को स्टन नहीं करते हो, तो आप एनर्जी शील्ड क्रिएट कर दोगे उसके इर्द गिर्द और आप डैमेज नहीं कर पाओगे. अगेन द नेक्स्ट स्टेज इज मॉब क्लियरिंग. जस्ट क्लियर द मॉब्स विद कैप्टन अमेरिका. यू डोंट नीड टू स्विच योर कैरेक्टर्स हियर आई गेस. या सो जनरली कैप्टन अमेरिका से आप अपने मॉब्स क्लियर करते जाओ. एंड आई थिंक दिस वन हैज़ द अल्ट्रॉन बॉस. सो अल्ट्रॉन को भी वन शॉट करना आपको आना चाहिए. अल्ट्रॉन वन शॉट ईजिली हो जाता है. जस्ट यू हैव टू फॉलो सम, यू नीड टू बी क्विक. सो यहाँ मैं फर्स्ट आयरन मैन पे स्विच करूँगा बिकॉज ही हैज़ वेरी गुड DPS. सो आयरन मैन को स्विच करूँगा एंड देन आई विल यूज़ 5, 4, 3 देन 1 and 2. सो जस्ट लाइक दैट. उसके बाद मैं ब्लैक विडो स्विच करूँगा. समटाइम्स वन शॉट हो जाता है, समटाइम्स नहीं. तो अगर नहीं होता है तो ब्लैक विडो स्विच करके जस्ट यूज़ हर फोर्थ स्किल. यू विल क्लीन हिम अप. सो दैट्स हाउ यू डू इट. अगर आप नहीं जल्दी फास्ट कर पाओगे तो अल्ट्रॉन मैप में इधर उधर भागने लगता है. सो दैट विल कंज्यूम योर टाइम. सो इन दिस स्टेज जस्ट हियर जस्ट क्लियर वन मॉब. डोंट गेट इन, डोंट इन्वॉल्व इन द बीम. एंड जस्ट यू डोंट नीड टू फाइट हियर. जस्ट फॉलो द रोटेशन. एंड हियर अगेन मैं कैप्टन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन एक स्पीड टाइप है. देन मैं स्विच कर रहा हूँ आयरन मैन पे बिकॉज बुल्सआई इज़ अ कॉम्बैट टाइप. सो अगेन वी हैव एडवांटेज एंड वी डिड इट प्रीटी फास्ट. यहाँ मैं कैप के साथ ही करूँगा ये स्टेज को क्लियर जस्ट बिकॉज कैप इज़ वेरी गुड विथ हिज कूल डाउन एज ऑलवेज. एंड मॉब्स क्लियर करते जाओ गाइज. मॉब्स क्लियर ही है मोस्ट आई गेस 80% ऑफ द स्टोरी मोड मॉब क्लियरिंग ही है. 20% ही बॉस फाइट्स है. तो यार मैं आयरन मैन से कर रहा हूँ. सो And then I will switch to Black Widow and one shot. Sometimes Iron Man one shot कर देता है. अगर आप mess up कर जाते हैं तो you can switch to Black Widow and clean the shit off. So generally मैं यही use करता हूँ. मैं यही tips देना चाहूँगा आपको कि use करो Iron Man and Black Widow का as a main DPS. Captain America को mob clear. So यहाँ पर भी again Kingpin fight है. तो Kingpin के लिए मैंने बताया था Iron Man is best. So switch to Iron Man. आप स्विच करो आयरन मैन पे. उसका रोटेशन मैंने आपको बताया है 5, 4, 3. वेट फॉर 1 second. 1 फ्रीज हिम एंड यूज द सेकेंड स्किल. यू विल जस्ट गेट वन शॉट. अगर आपने नहीं किया तो किंग पिन इज वेरी अनॉइंग, वेरी वेरी अनॉइंग. सो यहाँ मैंने 3 skill, 1 and 2. दैट्स इट. सो दैट्स हाउ यू वन शॉट किंग पिन. सो किंग पिन इज कॉम्बैट, आयरन मैन इज ब्लास्ट. तो एडवांटेज है. नाउ दिस स्टेज आप डोंट वेस्ट योर टाइम. यहाँ पर आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है. सबसे पहली कि आप ट्राई करो कि सारे को एक जगह इकट्ठा करो. जैसे मैंने किया, इकट्ठा करने के बाद यूज़ योर स्किल एंड किल ऑल ऑफ देम एट वंस. उसके बाद आपके पास प्लेंटी टाइम रहेगा. आप आराम से सारे बॉक्सेस को क्रैक कीजिए एंड गेट द 3 ISOs एंड यू आर गुड टू गो. एंड अगेन इसके बाद मॉब्स आएंगे. अगेन यूज़ कैप्टन अमेरिका. कैप्टन अमेरिका इज़ बेस्ट फॉर क्लियरिंग द मॉब्स. एंड हियर यहाँ पर मैंने आयरन मैन स्विच किया जस्ट बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा DPS की ज़रूरत होगी आपको इन दो मेन एम के जो सोल्जर्स हैं उनको क्लीन अप करने के लिए. एंड देयरफॉर मैंने आयरन मैन स्विच किया एंड क्लीन देम अप. एंड हियर ब्लैक विडो से आपको, आप इसमें मैं आपको कोई टिप्स नहीं दे सकता गाइस. जस्ट
क्रैक द बॉक्सेस एज फास्ट एज यू कैन. अगर आप बचने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट करोगे. तो मैं यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके जस्ट क्लियर देम एंड ट्राई टू अवॉइड द अटैक्स. अटैक्स से बचिए आप. जैसे यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर घूमिए एंड देन गेट इन टू द पोर्टल. सिंपल एज दैट. एंड हियर अगेन मैं आयरन मैन कोशिश करूँगा क्योंकि डॉक ऑक इज़ अ कॉम्बैट टाइप. एंड अगेन आयरन मैन की रोटेशन मैं बहुत बार बता चुका हूँ वीडियो में. सो हियर रेड स्कल जो है वो है ब्लास्ट टाइप. सो आई विल स्विच टू ब्लैक विडो एंड यूज़ हर 5 cancel 4 वन शॉट. कभी कभी हो जाता है कभी नहीं होता है. तो मैं आयरन मैन को इस्तेमाल कर लेता हूँ ब्लैक विडो के बाद जस्ट लाइक दैट. यहाँ पर भी मैं आयरन मैन को स्विच करूँगा. सो आई विल स्विच टू आयरन मैन एंड यूज़ 5 4 2 3 1 फ्रीज करूँगा एंड देन दैट्स इट. समटाइम्स ब्लैक विडो अराइव्स एंड डज हर फोर्थ स्किल. तो वन शॉट हो ही जाता है अल्ट्रॉन. अगर नहीं होता है तो यू कैन स्विच टू ब्लैक विडो एंड डू द सेम. नाउ दीज थ्री स्टेजेस गाइस, दीज थ्री स्टेजेस आर वेरी वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग. सो आप ट्राई करो कि आप जल्दी जल्दी करो. सो मैं सबसे पहले स्विच कर लेता हूँ. जैसे ही ये बॉट्स आते हैं मैं ब्लैक विडो को स्विच करता हूँ. थोड़ा सा वेट करो गाइज बिकॉज उनकी एनर्जी शील्ड जो है वो तुरंत ब्रेक नहीं होती. तो थोड़ा सा वेट करने के बाद जस्ट टू 5 4 एंड क्लियर द फर्स्ट हाफ ऑफ द बॉट्स. जब सेकेंड हाफ जैसे ही बॉट्स आने लगे स्विच टू आयरन मैन गाइज. स्विच टू आयरन मैन अगेन. थोड़ा सा वेट करो. लेट देम ग्रुप. ग्रुप होने दो. एक जगह ग्रुप हो जाए तो 5 5 cancel 4 3 1 जो रोटेशन है आयरन मैन का. देन अगेन स्विच करो ब्लैक विडो को. गो टू अ कॉर्नर एंड देन सबको ग्रुप करो. 5 cancel 4 दैट्स इट. नाउ यहाँ पर जो है आपको ब्लैक पैंथर थॉ एंड ब्लैक बोल्ट मिलेंगे. सो ब्लैक जनरली मैं यहाँ आयरन मैन का इस्तेमाल करता हूँ. समटाइम्स कैन वन शॉट. कभी कभी नहीं होता है. डिपेंड्स ऑन अगर ब्लैक विडो स्ट्राइक करती है. अगर नहीं करती तो वी विल स्विच. सो आयरन मैन 5 4 2 3 1 cancel 2. सो जस्ट लाइक दैट. कभी कभी वन शॉट हो जाते हैं कभी कभी नहीं. डिपेंड्स ऑन योर लक. हियर ब्लैक विडो केम. सो दैट वॉज प्रिटी गुड. तो मुझे स्विच नहीं करना पड़ा. सो नेक्स्ट ऑन इस स्टेज में जो है वो है आपको अगेन मॉब क्लियर. दिस मॉब क्लियर में एनर्जी शील्ड वाले बॉट्स भी मिलेंगे आपको. सो अगेन मैंने जैसा आपको बताया था थोड़ा सा वेट करो जब भी बॉट्स अराइव होते हैं. थोड़ा सा वेट मे बी 2 to 3 seconds. आफ्टर दैट अपने आप अपने अटैक्स करो रैंडमली. यू कैन आइदर पेंट्रेट द एनर्जी शील्ड और जस्ट गो थ्रू इट. सो आयरन मैन इज़ बेस्ट हियर. सो आई यूज आयरन मैन एंड यहाँ पर मैंने 1 cancel 2 किया आयरन मैन का. देन आई स्विच टू ब्लैक विडो एंड यूज 5 cancel 4 जस्ट बिकॉज आयरन मैन इज़ अ ब्लास्ट टाइप. नाउ दिस स्टेज गाइज ध्यान दो. दिस स्टेज में अगर आप डायरेक्टली इधर उधर जाना चाहोगे तो आप पकड़ में आओगे. सो फर्स्ट उस वाले ड्रम को तोड़ो. देन गो इन टू द कॉर्नर. रिलैक्स फॉर 3 seconds. देन यहाँ पर मैं एक ही टिप दूंगा. डोंट अब आप हाइड एंड सीक मत खेलो कि आप चुपके चुपके जाके सबको मारोगे. जस्ट किल द मॉब एट वंस. गो थ्रू गो फॉर हायर DPS कैरेक्टर लाइक आयरन मैन. एंड That's the trick here. I will use again captain to clear the mob. And as soon the 3 main bots arrive, I will switch to Iron Man. मैं switch करूँगा Iron Man पे here. And so that I could kill them easily. Then I will again here I will switch to Black Widow and use her 5 cancel 4 for quick DPS. यहाँ पर आप जितना जल्दी करना चाहो. वन शॉट तो नहीं होता ये स्टेज. आई हैव ट्राइड सेवरल टाइम्स. वन शॉट करना मुश्किल है. मे बी हो सकता है. अगर आपने आप में से किसी ने किया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट. एंड या दिस स्टेज यूज कैप सेकंड स्किल. एंड डोंट जस्ट फाइट हियर. जस्ट ट्राई टू इवेड टू द मेन एरिया. मेन एरिया पे आप जाने की कोशिश करो. देन स्विच टू आयरन मैन. आयरन मैन पे स्विच करो. मॉब्स आने दो. मॉब्स को एक जगह जमा होने दो. देन यूज़ 5 cancel 4 जो रोटेशन है आयरन मैन का यूज़ करो. ईजिली आप क्लियर कर पाओगे. सो दिस स्टेज में यही टिप है कि आप अगर फाइटिंग में ज़्यादा टाइम दोगे तो ऐसे ही 3 minutes का फाइट जो होता है इसका सब मिला के वो और लेंदी हो जाएगा. इस फाइट में मैं यही बोलूँगा मॉब्स को आयरन मैन से जल्दी क्लियर करो. एंड हियर जैसे ही वो आए You should be at the beginning point पे आप आ जाइए. Here also एक प्लेन आएगा जो कि बॉम्ब्स गिरा के जाएगा. That will penetrate everything. अगर आप उसमें फंसे then there is no chance you can survive it. So again मैं यहाँ beginning point पे आ जाता हूँ so that I can evade those bombs. Again
फिर मॉब्स आएंगे, क्लियर द मॉब्स फास्टर। यहाँ पर भी समटाइम्स एक या समटाइम्स टू टाइम्स एरोप्लेन का एयर स्ट्राइक होता है, जैसे वहाँ हुआ आयरन मैन में हिट हुआ। अगेन आप ट्राई करो कि कॉर्नर पे आओ, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर, एंड ट्राई टू सेव ऑल थ्री ऑफ योर कैरेक्टर्स, सो दैट कि जब आप थॉर से फाइट करो तो आपके पास तीन कैरेक्टर्स हों और आप हाई डीपीएस डील कर पाओ, जैसे मैंने यहाँ किया सो आयरन मैन से। सो अगेन प्रिटी सिंपल गाइस, आपको बॉसेस को वन शॉट करना आना चाहिए, स्विच करो कैरेक्टर्स, यही टिप्स है स्टोरी मोड की, जनरली यही टिप्स हैं अगर आप स्टोरी मोड जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो। और या गाइस मैं फिर बोलूँगा, स्टोरी मोड इज़ अ वेरी गुड मोड इफ यू नीड बायोमेट्रिक्स। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो। सो See you in the next one.